Right now I'm at Chimera second Bagga Dam and I'm going to Mumbardar. So let's go. चंबा से 42 किलोमीटर दूर डकोक, जहाँ से अब हम ये बन्नी माता वाला मंदिर का रास्ता लेंगे। ये ऊपर से यहाँ से होकर जाएंगे। सारा रास्ता एक बार 1995 में नीचे पुल से पूरा पैदल होता था और हम बन्नी माता तक पैदल गए थे। अब रोड बना हुआ है, आगे 3-4 किलोमीटर तक पक्का रास्ता, त्रेला तक, उसके बाद कच्चा रास्ता आएगा। हम तुदा से पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुदा से पीछे हम ऊपर की तरफ मुंबरधार की तरफ चलेंगे। तो अब हम लेंगे ये वाला रास्ता और ये दूसरा वाला रास्ता जो सामने नजर आ रहा है, ये कोरा फाटी के लिए है। काफ़ी ये जो ड्राइव इस रोड जो जो भी लोग कर चुके हैं, बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जब पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे होते हैं और नीचे गहरी खाई नजर आती है, एक भी पेड़ नीचे की तरफ नजर नहीं आता है और गुदगुदी जैसी होती है, ऐसे काफी थ्रिलिंग सा लगता है। तो लेट्स गो। खड़ामुख, जहाँ से आगे को होली और इस वाले रास्ते से ब्रह्मौर का रास्ता जाता है और हम पहुँच चुके हैं अब त्रेला से थोड़ा सा पीछे बन्नी माता रोड पर। अभी आगे तक भी इस रास्ते से हमने आगे जाना है। काफी अच्छा मौसम है, आज हवा चल रही है। त्रेला के पास रोड बंद है लेकिन जेसीबी और ये लगी हुई है मशीन, 10-15 मिनट शायद लग जाए यहाँ पर। हमने इस रास्ते से 8.5-9 किलोमीटर अभी तक गाड़ी लायक रास्ता, उसके बाद फिर पैदल चलेंगे। एक घंटा और 10 मिनट रास्ता खुलने में लगे। अब उसके बाद 6-7 किलोमीटर अभी हमें बाकी चलना और ये अब सारा रास्ता कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। ढलान भाई साहब, सीधे खड़े पहाड़ है। 1 किलोमीटर पीछे बाइक छोड़ के अब हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी काम चल रहा है। और ये है मेरे साथ मिस्टर विराज। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम तुंदा पहुंच चुके हैं। ये है मेरे पीछे तुंदा गांव, यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ पैदल चढ़ेंगे और ये सामने है उधार विलेज। इसके ऊपर टॉप पे है दिग्गू की डली, झील है जिसे कि दिग्गू की डली कहा जाता है। और ये सामने पीछे है बड़गा और यहाँ तक की यात्रा देखते कब संभव हो जाती है। अब हम लगाएंगे चढ़ाई और थोड़ा जंगल के रास्ते से होकर चलेंगे। तो जारी रखिए यात्रा मेरे साथ। कैसी ओनली सोर्स ऑफ वाटर, हम यहाँ से जाएंगे अब। और ये थोड़ी सी चढ़ाई और उसके बाद ऊपर थोड़ा पेड़ों से जंगल से बाहर आ जाएंगे। अभी हम तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में, लास्ट टाइम जब इस साइड आया था तो यहाँ पर बड़ा सा पेड़ उस दिन लोग काट रहे थे, जो कि अभी तक जिसका एक हिस्सा यहीं फंसा हुआ था, जो कि फंसा हुआ रह गया है। और हम आधे रास्ते से वापस आ गए थे, आज देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। जारी रखें आगे तक का सफर मेरे साथ।
पत्थर वाइट वाइट जिन्हें बचपन में हम टकराते थे और इनमें से चिंगारी निकलती थी। तो इसी तरह के और खूबसूरत नज़ारे इन ट्रैकिंग के दौरान देखने को मिलते हैं। आर्ट ऑफ ट्रैकिंग इज स्वेटिंग 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 एवरीवेयर, इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। एंड कोल्ड विंड इज जस्ट टचिंग योर फेस एंड यू आर एंजॉयिंग योर ट्रैकिंग विद स्वेटिंग एंड कोल्ड विंड, रियली ग्रेट। ब्यूटी ऑफ नेचर। आकम चंद जी जिन्होंने हमें आगे का रास्ता बताया, और ये भी आजकल उपली धारों पे आए हुए हैं, इनके भी गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को लेकर, ये जिनकी उधारी कहा जाता है उधर, आजकल इन्होंने डेरा लगाया हुआ है। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, जंगल समाप्त हो चुका है, अब ओपन एरिया में हम पहुँच चुके हैं। सांस पूरी तरह से चढ़ी हुई है, बहुत तेज, क्योंकि चढ़ाई थोड़ा हमने पास चढ़ी, और ये आसपास का व्यू आप लोगों के सामने, ये सामने वाली हमारे नज़दीकी पहाड़ी है, उसके ऊपर भेड़ पालकों की भेड़े और उनके पशु। पिछली बार हमने जब यहाँ तक यात्रा को पूरा किया तो इसे ही वो जगह समझ लिया जो जहाँ अभी हमने पहुँचना है, जहाँ से हम एक बार वापस चले गए थे, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा ये पीछे, काफ़ी पीछे ये भरमौर का एरिया के आसपास के इलाके, और ये बड़ा बड़ग्रां कुठार आदि का इलाका, और यहाँ पीछे पेड़ों के दूसरी तरफ नीचे बन्नी माता मंदिर है, यह पीछे बन्नी माता का मंदिर जहाँ पर है, और यह है मेरे साथी जो कि एक घंटे की ट्रैकिंग के बाद ही काफ़ी थक चुके हैं। अभी होगा लंच टाइम, वो पहाड़ जहाँ खटेर पाल का खप्परवासी का मंदिर है, जो कि वीडियो मैंने पहले डाला था, जिसे यहाँ नीचे चोबिया से चढ़ते हैं खड़ी इस साइड भरमौर, और ये वाला रास्ता गया होली के लिए, और ये पीछे होली के ऊपर से बैजनाथ के लिए पास, या नागदल के लिए इधर से जहाँ अभी जाने का सोचा है। अभी होगा लंच टाइम, और हमारे पास है अंडे की भुर्जी, और पानी थोड़ा बिल्कुल कम पानी है, साथ में है अचार चपाती और हरी मिर्च, तो लेट्स एंजॉय। और ये हमारी प्लेट, ये आ गई हमारी चपातियाँ चार, और साथ में करते हैं आप ऐसी किसी जगह में आकर, आप जब खाना खाते हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतर टेस्ट या बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ पर कि आप लोग इस तरह का आनंद ले सकें।
तो हम खाते हैं खाना और आगे का वीडियो का सफर जारी रहेगा। अब तक हमने वहाँ पहाड़ तक जाना है। इस बार लंच कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा हुई थी तो ड्रेस चेंज हो चुका है और अभी चलेंगे हम उस पहाड़ के ऊपर, उसके आगे थोड़ा सा और है। आइए चलिए। नीचे तक, नीचे डैम नजर आ रहा है और एक साइड ये जंगल और मंदिर कुछ ही दूर। ये है हंसे, और इन्हें देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हम थोड़ा रास्ता भूल गए थे। इनके साथ ही इनकी मालकिन है, उन्होंने हमें बताया कि यही रास्ता जाता है। सूरत नज़ारा। अभी हम 3060 मीटर हाई एल्टीट्यूड पे है। लगता हमारी डेस्टिनेशन सामने है शायद, और बहुत ही खूबसूरत। देखिए ये इतनी धारें, धार मुझे बहुत पसंद है। कैसी जगह होती है ग्रासी एरिया जहाँ पर कि पेड़ नहीं होते, पर हम टॉप पे चल रहे होते हैं पहाड़ के ऊपर, और ये आनंद ही कुछ और होता है आसपास का। ब्यूटीफुल व्यू। अच्छा फील हो रहा है, हवा चल रही है और चढ़े इसलिए थोड़ा सर्दी भारी हो रहा है। 3280 के लगभग हम पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पीछे पहुँचेंगे जो कि गुजरों के जहाँ पर ठिकाने हैं, तो शुरू करते हैं क्योंकि वो उनका कोई भरोसा नहीं। आइए चलिए मेरे साथ। यहाँ से आए हम, आ चुके हैं हम मुंबरधार। ये गुजरों के कोठे जो कि सर्दियों में यहाँ पर से चले जाते हैं, जो कि कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं। अभी सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और अगली गर्मियों को फिर से इनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। इनमें से कुछ एक वेल्ज के हैं, कुछ चमीनू साइड से भी आते हैं शायद, और इनकी जो कोठा है वो ये है जहाँ पर कि बाहर पशुओं को ये अपने बांधते हैं, और ये रहा इनका किचन जहाँ पर कि इन्होंने ये एक साइड रहने सोने का होता है और एक साइड इनका चूल्हा होता है। इसे बहुत पसंद आ गई है, ये भी पालना चाहता है इसे। यह पानी का तालाब जिस पर कि यहाँ की भैंसें पानी पीने आती है, और जिनकी वजह से इस पानी की वजह से यहाँ पर डेरा लगा हुआ है होता है। ये अभी तक धार यहाँ ऊपर चढ़ जाए तो सामने चंद्रोन धार जो कि वीडियो मैंने पहला डाला हुआ है वो भी नजर आता है, और ये उम्रधार से खूबसूरत नज़ारा। ये मिस्टर मस्कीन जो कि इस उम्रधार पर गर्मियों के मौसम में आते हैं, और हाँ तो मैं
जानना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ से आते हैं, कौन से क्या आपके गाँव जमीन में कहाँ पर बेल्ज में है। बेल्ज इलाका आप लोग जो चंबा के हैं जानते होंगे, यहाँ नजदीक ही बिल बेल्ज का एक एरिया है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आप लोग गर्मियों के किस मौसम में जैसे कब शुरू कर देते हैं, गोवा बैसाखी के दौरान मार्च अप्रैल है ना, मार्च अप्रैल के लगभग ये चलना शुरू करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं कोई कब पहुँचते हैं आप लोग, कोई जून महीने में अप्रैल मई महीने के लगभग ये यहाँ पहुँचते हैं, दो महीने इनके एक डेढ़ दो महीने इनके थोड़े से बीच में ट्रैवल करते हुए गुजरते हैं। और यहाँ से जब आप जाएंगे ये सारे पशु लेकर जाएंगे तो कब तक निकलेंगे आप लोग देसी के हिसाब से, कब तक निकलेंगे आप देसी महीने के देसी पाँच छः देसी पाँच छः मतलब सितंबर के कोई 19-20 के 15 सितंबर के बाद यहाँ से ये आगे को अपने सभी पशु लेकर नीचे को उतरेंगे, ये निचली ढलानों की तरफ मैदानी इलाकों की तरफ। और स्टॉप, तो अब आप लोग यहाँ से जैसे इन पशुओं को लेकर नीचे जाएंगे तो कहाँ तक इनको खुद लेके जाएंगे और फिर आगे गाड़ी वगैरह भी लेते हैं कि क्या करते हैं? वो तो अपने हिसाब से ले जाते हैं, जैसे मान ले वो तो फिर तो पैदल निकल जाते हैं, वरना आधे रास्ते से गाड़ी। हाँ, अगर ज़्यादा लोग इनके साथ और तो वो ये यात्रा पैदल भी शुरू कर देते हैं और उस यात्रा के दौरान ये यहाँ से पठानकोट के उच्च मैदानी इलाकों तक जाते हैं जहाँ तक ये पैदल लेके चले जाते हैं। इनको पीछे के अगर बंदे इनके आए तो साथ में कम हो तो ये यहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं? दुनाली तक, दुनाली राख तक ये वैसे लेके जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? गाड़ी फिर उस उन अपने पशुओं को एक गाड़ी में भर लेते हैं और उनको उस तरह से भी शिफ्ट कर लेते हैं। और आप लोग भी यहाँ पर उत्तरी धारों के जो पशु लेकर आते हैं अपनी भैंसे वगैरह, तो जो जिन्होंने बच्चे दिए होते हैं ये जो दूध देने वाली होती है और अपने रास्ते के खर्चे के लिए या अपने चाय पानी खाने के लिए एक दो भैंसे जिनको भी अभी तक दूध दे रही होती है उनको साथ में लेके आते हैं या जाकर उन भैंसों को लेकर आते हैं जिन्हें जिन्हों के कि अभी तक बच्चे 6-7 महीने के बाद होने होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दूर आकर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं पिछली बार भी जब आया था तो पीछे से रास्ते से वापस मुड़ गया था। थैंक यू मिस्टर इस्माइल जो कि चंद्रोन धार जिनकी आपने कहा आपके रिलेटिव है, उन्होंने मुझे एक बार यूट्यूब पे बताया था कि मुंबर धार भी कोई जगह है, तो आज हम यहाँ तक आए। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत नज़ारे यहाँ के हमने लिए, बहुत ही शानदार आपकी ये धार है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग यहाँ पर आएँ। हमने 12 बजे चढ़ाई शुरू की थी और 2:30 बजे पहुँचे, लेकिन अगर आराम आराम से आए तो 3.5-4 घंटे का टाइम लग सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मस्कीन जी, तो जारी रखिए यात्रा मेरे साथ आगे की वापसी की भी। ये अब्दुल्ला जी हैं, इस धार पे इनका भी घर है, धार पर पी जाएगी कॉफ़ी जो कि हमें इन मस्कीन जी और उनके मस्कीन जी जिनकी वजह से आज हम अब कॉफ़ी पियेंगे। ये थी वो यात्रा जो कि आपने उम्रधार तक मेरे साथ पूरी की। इसी तरह के बहुत सारे और वीडियो देखने के लिए यात्रा जारी रखें मेरे साथ, अभी समाप्ति तक आगे भी देखते रहें। तो यात्रा यूं ही जारी रखें मेरे साथ, लेट्स गो बैक टू होम। वो धारें जहाँ पर कि नंगे पैर चलने का आनंद लिया जा सकता है, बिल्कुल मुलायम नरम गद्देदार ये घास होती है और ये नीचे मिट्टी। लंच किया था कुछ दूर ये कह लीजिए काफी दूर तन मेरे लगिया।
ये वो पहाड़ जिससे आगे जाकर हम वापस लौटे। क्लाउडी हो गया है और गड़गड़ाहट की आवाज़ें भी आ रही हैं, और 4 बजे ही के टाइम पर ही काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला है। टाइम हो चुका 4:30 शाम के, मौसम पूरी तरह से भयानक रंग ले चुका। अभी तक हमें चलना है 40 to 50 किलोमीटर, हमें 50 किलोमीटर चलना है, तो होपफुली वी विल एंजॉय द वेदर कंडीशंस। लेट्स गो चंबा। जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम एक त्रेला तक पहुंच गए हैं। जो बारिश शाम के 6:45 हो चुके हैं, चंबा अभी भी बहुत दूर है। अभी हम दुनाली गहरा तक नहीं पहुंचे हुए हैं, लूणा भी नहीं पहुंचे हैं, और बारिश देख सकते हैं आप लोग। और हाफ जैकेट पहनी हुई है, उसके अंदर बैग पेट के आगे लगाया हुआ है, ठंड भी हो चुकी है। जारी रखे आंखों में हमने आपके सपने सजाए, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, बस आप 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 ही दिल में समाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है, सपना भी आप ही है, हकीकत